नमस्कार दोस्तों, फिर से प्रस्तुत है आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आपका हम बता दें कि आज जो वीडियो बनाए हैं वह मुख्य रूप से नींबू की खेती के बारे में है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। नींबू के खेती के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है सब नींबू का खेत हम अपने जमीन पर किए हैं। ये नींबू का पौधा है, एक दो नहीं पूरा 24 से भी ज़्यादा है पौधा आपको नज़र में आएगा। ये देखिए नींबू जो है थोड़ा दूसर किस्म का, इसमें अभी फूल आ रहा है और थोड़ा पकड़ा भी है एक दो ठो और फूला भी आ रहा है। चारों ओर हरियाली हरियाली आपको नज़र आ रहा है। ये सारे के सारे अपना ही खेती का है। नींबू हमारे मुख्य रूप से भोजन को पचाने में, या तो फिर कोई कोई तो नींबू पानी जो पीने में मशहूर होते हैं उसका शरबत बनाते हैं, घोल बनाकर पीते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। ये विटामिन सी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे आम का भी पौधा आपको नज़र में आ रहा होगा। ये देखिए फिर नींबू, चारों तरफ नींबू ही नींबू का खेती है। यूँ नींबू हर मौसम में फलता है, चाहे वर्षा हो, जाड़ा हो या फिर गर्मी हो। अभी इस सब में फूल नहीं आया, एक पौधा में अभी फूल आपको दिखाई आए हैं। नींबू में कीड़ा बहुत नुकसान करता है। इनमें एक मुख्य रूप से लगने वाला बीमारी होता है जो होता है कैंकस। ये कैंकस के बीमारी है को हम एक विशेष प्रकार के पाउडर आता है कार्बन डी जी फूरन, जिसको घोल बनाकर उसको जड़ के सामने डालने से या तो फिर उसे स्प्रे करने से वह कीड़ा मर जाता है। उसमें लगने वाला फफूंद नाशी जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। फूल के समय भी इसको छिड़काव ज़रूरी होता है। इसमें करंट का दवाई डालने से भी, इसमें जो देख रहे हैं आप ये पत्ता जो पीछे तरफ से मुड़ रहा है उसमें कीड़ा का असर है, ये भी दूर हो जाता है। ये जैसे ये पत्ते में है, ये कीड़ा खा गया, इसमें करंट नाम का दवाई आता है उसको डालने से ये कीड़ा को मार देते आसानी से। या तो फिर एक आता है सुमिप्रेम्ट, हम लोग के भाषा में हम लोग इसको काला घोड़ा कहते हैं। अभी इसकी दवाई को भी दिखाएंगे। जो दवाई है बहुत सारे खाली डब्बा पड़ा हुआ है, आपको नज़र आएगा अभी। देख ये देखिए सुमिप्रेम्ट, ये जो दवाई आते हैं इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारा इसमें डब्बा फेंका हुआ है, ये दवाई भी आता है। ये बढ़िया होते हैं, इसको डालने समय समय पर डालने से पौधा में उचित विकास भी हो जाता है। उसमें विटामिन की ज़रूरत पड़ता है। विटामिन में मुख्य रूप से इंटरप्रेट एक विटामिन आता है जो जड़ों से इसको विकास कराता है, जड़ को मजबूत करते हैं और पौधा भी हरा भरा बन जाता है। उसको डालने से भी बीमारी है के साथ साथ दोनों काम करते हैं। विटामिन का काम भी करते हैं और साथ में कीड़ा को रोकथाम करने में भी सक्षम होते हैं। नींबू का खेती बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आमतौर पर इसे ये ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। खेत के चारों ओर जैसे दिखाई दे रहे हैं, बीच में दूसरा सब्जी और लगा सकते हैं आप। किनारे किनारे लगा दीजिए नींबू, साथ में दोनों होगा, आपका दूसरा फसल भी हो जाएगा और ये नींबू भी आपका होगा। ये फायदेमंद होता है और आमतौर के इसका मुख्य रूप से ये काम आता है कि कोई भी गाय बैल या बकरी हो इसको नहीं खाते हैं, क्योंकि इसका जो पत्ता का रस होता है एक बार मुंह में आने से वो दोबारा नहीं चबाएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके बारे में और एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।